हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे। तो हम दाल को भिगोएंगे नहीं, तुरंत धुल के और कपड़े से पोंछ लेंगे। तो ये दाल है धुली हुई, ये 10 काजू 10 बादाम है कटी हुई, खोआ, ये दूध है मलाई के साथ, ये चीनी आधी कटोरी, आधी चम्मच इलायची पाउडर है, घी है जितनी चाहिए होगी उतनी लेंगे, और ये केसर मिलाया हुआ थोड़ा सा दूध है, और ये सूजी है 1 टेबल स्पून। तो आइए अब चलते हैं कढ़ाई में। दाल डाल देंगे इसमें, कपड़े से पोंछ लिए थे इसको। अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे, लो फ्लेम पे ही भूनेंगे इसको, बिना घी तेल का सूखे ही भूनना है। भून गया है, हल्का कलर चेंज हो गया है, इसको ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में, पाउडर बना लेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे थोड़ा सा, और ये ड्राई फ्रूट भून के निकाल लेंगे, कटा हुआ है। भून गया है ड्राई फ्रूट, इसको निकाल लेंगे। फ्लेम धीमी ही रहेगी, धीमी ही में पूरा प्रोसेस करना है मूंग की दाल के हलवे का। रुको, घी डाल दिया, हम इसमें सूजी डाल देंगे, फ्लेम धीमी ही रहेगी। अब इसमें पिसा हुआ मूंग दाल भी डाल देंगे, ऐसा दरदरा रहेगा टेक्सचर इसका। लो फ्लेम पे देखिए, भूनते भूनते कलर भी चेंज हो गया है। इसको धीरे धीरे ही भूनते हैं, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। अब कलर चेंज हो रहा है, तो अब इसमें दूध डालेंगे मलाई वाला। केसर वाला भी डाल देंगे, कलर आता है। ऐसे मिलाएंगे लगातार, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। ऐसे चलाते रहेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालेंगे, इकट्ठे सारा घी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा। इलायची पाउडर भी डाल देंगे और चीनी भी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। अब इसको चलाएंगे। ऐसे धीमी धीमी आंच पे ये चलती रहेगी, घी पूरा छोड़ देगा ये आपका। हाई फ्लेम नहीं करते इसके लिए, पूरा ये हलवा लो फ्लेम पे ही बनता है, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब खोआ डाल देंगे, मिला देंगे, बन गया है हलवा। अब इसको सर्व करेंगे। खाने के लिए तैयार है मूंग की दाल का हलवा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।